नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो बीते दिनों हमने आपको एक खबर दी थी कि रीवा उदयपुर वाली ट्रेन के विस्तार को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है कि आप इसको जो है लगभग अभी दिसंबर महीने तक चलाया गया और दिसंबर के महीने के बाद इसको जो है रोक दिया गया। अब दिसंबर से महीने से इसको जो है लगभग आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई थी और एक और चीज़ बताया था कि यहाँ पर जो रीवा उदयपुर वाली ट्रेन चल रही है इसका विस्तार जो है कर लिया गया था, मांगा गया था अहमदाबाद तक के लिए। तो जिसका प्रपोजल अभी हमारे सामने आ चुका है जिसके विस्तार में इसको आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई थी, हालांकि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया क्योंकि मांग नहीं की गई, क्योंकि रेलवे ने इस गाड़ी को विस्तारित जो है नहीं किया। मतलब इसका जो विस्तार था सिर्फ दिसंबर महीने तक के लिए ही था, दिसंबर महीने से आगे तक के लिए इसको जो है विस्तार नहीं किया। हालांकि लोगों की मांग बहुत सारी है क्योंकि लगातार इस गाड़ी में बहुत सारे पैसेंजर जो है सफ़र किया करते थे और हफ्ते में दोस्तों एक या दो दिन ही ट्रेन को चलाया जाता था। तो वैसे भी इस गाड़ी में जो वीकली स्पेशल ट्रेन थी तो भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करती थी उदयपुर के लिए। तो हालांकि इस गाड़ी को अब बंद कर दिया गया है और जनवरी का महीना भी आ गया है तो रेलवे ने इस गाड़ी को विस्तारित नहीं किया। तो उम्मीदें कम है कि इस गाड़ी को रेलवे फिर से चलाएगा और साथ ही साथ में यह भी उम्मीद कम है कि चलाने के बाद इसका जो विस्तार है वह अहमदाबाद तक के लिए कर जाएगा। तो दोनों ही श्रेणी में इस ट्रेन का प्रपोजल जो है अधर में है और इसको रिजेक्ट भी कर दिया गया है। तो लोगों को हम इसका प्रपोजल लेटर भी दिखा देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पिछली कमेंट वीडियो में कमेंट किया था कि आप कहाँ से इस तरह का जो है मांग पत्र लेकर आते हैं। आप सभी इस ऑफिशियल लेटर में देख सकते हैं कि यहाँ पर हिम्मतनगर असरवा में भी स्टॉपेज देने की बातचीत की गई थी, हालांकि इस ट्रेन का प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जिसकी वजह से इस ट्रेन का प्रपोजल जो है दोस्तों रद्द हो गया है। इसके अलावा एक और खबर निकल कर आ रही है, खबर है दोस्तों असरवा सेक्शन की और इसके बीच में खबर कुछ इस तरह से होने वाली है कि भी दोस्तों ना यहाँ पर 2 तारीख से लेकर मतलब आज से लेकर 5 जनवरी 2023 तक असरवा नरोड़ा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नंबर 6 मतलब सरदार ग्राम कुबेर नगर फाटक जो है बंद रहने वाला है। अब भाई बंद क्यों रहने वाला है वापिस जान लेते हैं। देखिए अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर रेलवे लाइन पर असरवा नरोड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या जो कि 6 किलोमीटर 40367 रख रखाव एवं मरम्मत कार्य के लिए 2 जनवरी आज के दिन से प्रातः 9 बजे से लेकर 5 जनवरी 2023 को शाम को लगभग 6 बजे तक ये जो फाटक है 4 दिन के लिए बंद रहने वाला है। सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान नरोड़ा गैलेक्सी अंडरब्रिज LHH नंबर 7A के आवागमन जो है अपना कर सकते हैं। तो 2 से 5 जनवरी तक असरवा नरोड़ा सेक्शन जो है बंद रहने वाला है। तो यह भी खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रेलवे क्रॉसिंग नंबर 6 जो है बंद रहने वाला है। कुछ यहाँ पर इसको लेकर मरम्मत एवं रखरखाव कार्य किया जाएगा। और अमृतसर उदयपुर के भी ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी क्योंकि वर्ष 2023 नए खुशियों के सौगात से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है क्योंकि इस साल चुनाव है राजस्थान का और उसके अलावा राजस्थान का चुनाव होने की वजह से यहाँ की सरकार भी चाहेंगी कि हम वापस अगर सरकार बने रहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों को नई ट्रेनें मिलेगी। और उधर जबकि गुजरात का चुनाव पूरा हो गया है तो वहाँ पर जो कि दोस्तों यहाँ पर आचार संहिता है वह भी जो है ख़त्म हो जाएगी और गुरुवार को लगभग ख़त्म हो, उसके बाद यहाँ पर नई ट्रेनों का इनॉग्रेशन वगैरह किया जा सकेगा। तो दोनों ही तरफ से इस बार 2023 जो है काफ़ी खास रहने वाला है मेवाड़ वागड़ उदयपुर अहमदाबाद के रूट के लिए क्योंकि सीधी ट्रेन आपको जो है जयपुर के रास्ते दिल्ली तक भी लेके जाएगी। और मुंबई की ट्रेनें, नागपुर की ट्रेनें, पुणे की ट्रेनें, सिकंदराबाद, जयपुर, हर जगह की ट्रेनें जो है आपको इस वर्ष मिलने की पूरी संभावनाएं जो है जताई जा रही है क्योंकि रूट को देखिए दोस्तों, रूट को बनाया इसलिए गया है क्या कि काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और रही इलेक्ट्रिफिकेशन की बात, इलेक्ट्रिफिकेशन में भी भाई बहुत जल्द क्योंकि हमारा जो यह साल रहेगा इस साल इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरा हो जाएगा और इसी साल के मध्य में जो ट्रेनें चलाई जा रही है उनको भी इलेक्ट्रिक इंजन प्रोवाइड कराया जाएगा क्योंकि डीजल इंजन को लेकर दोस्तों वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम आती है और ऐसे में इलेक्ट्रिक इंजन होने की वजह से अगर लंबी दूरी की ट्रेनें इस रूट को मिलती है तो जो ट्रैक्शन जो मतलब इंजन को बदलने की प्रक्रिया होती है लोको रिवर्सर, उसको जो है स्टेशनों पर नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।